हेलो दोस्तों, हमारा कुछ और भी जो क्वेश्चंस था रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स वो बच गया था, उसे हम आज कंप्लीट करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, पहला, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता था वो है कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, अब जान लीजिए दोस्तों कि थ्री जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले बार ही पूछ चुका है, थ्री जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो ये सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स किसके अंदर आता, तो वो हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में क्या है, आगे चल के देखिएगा आप दोस्तों। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं इसे कहूँगा क्योंकि एनजीओ से भी कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस रहता है, कुछ इम्पॉर्टेंट एनजीओ जो ह्यूमन राइट्स से डील करता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें आपको क्वेश्चन है कि कौन सा एनजीओ जो है वो ह्यूमन राइट्स से डील करता है। ठीक है, तो इन चारों में आपका हो जाएगा दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ग्रीन पीस ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है दोस्तों ये जो पॉवर्टी और मेल न्यूट्रिशन दूर करना हो या लिटरेसी इन सब से जुड़ा है, पर ह्यूमन राइट से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, उसके दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये NHRC का क्वेश्चन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। लिखा है कि हु इज़ एलिजिबल टू बिकम द चेयरमैन ऑफ NHRC, NHRC का चेयरमैन किसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौन एलिजिबल होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो HL दत्तू हैं, जो अभी प्रेजेंट चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स काउंसिल, सॉरी ह्यूमन राइट्स कमीशन के, आपको याद रखना है एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाया जाता है चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये आपका ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रिसेंटली जो है किस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो ह्यूमन राइट्स के बारे में हुआ था उसका जो है 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया था, मनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बीजिंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बीजिंग कॉन्फ्रेंस ये जो है दोस्तों कि दोस्तों जो बीजिंग कॉन्फ्रेंस है ना ये 1995 में हुआ था। ठीक है, 1995, इसलिए +25, ये जो 2020 है इसका 25th एनिवर्सरी मनाया गया दोस्तों। देखिए जो बाकी कॉन्फ्रेंसेज है ना, जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, रियो कॉन्फ्रेंस, वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए जनरली। जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो 1972 में हुआ था, ये इसके तहत UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का फाउंडेशन हुआ था, इससे इसका हेडक्वार्टर पूछ देगा दोस्तों नैरोबी। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। रियो कॉन्फ्रेंस दोस्तों ये 1992 के आसपास ये हुआ था, और ये UNFCCC जो है, इसके अलावा UN CBD CCD इस टाइप की चीज़ों का जो फाउंडेशन इसी में हुआ था। उसके अलावा वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस जो है दोस्तों ये 1989 के तहत हुआ था। ठीक है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है दोस्तों आपका। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कल्चरल राइट्स जो है वो किस जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत आता है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक राइट्स किस जनरेशन के अंदर आता है, वो हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये आपको ये आपका जो है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये जो ये इस चीज़ को आप रट लीजिए दोस्तों। ठीक है, कि तीन जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कई बार अगर पूछ दे कि कौन कौन से जो स्कॉलर थे इसको बनाए थे, तो उनका नाम हो जाएगा कारेल वासक। ये चेक रिपब्लिक जो कंट्री है उसके एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने जो सेग्रीगेट किया था तीन जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो क्या क्या है, फर्स्ट में है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सेकंड में सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, और थर्ड में है कल्चरल, या कल्चरल को ही आप कलेक्टिव राइट्स भी कह सकते हैं दोस्तों। ये तीनों आपको अच्छे से याद कर लेना है, इसके बारे में जब हम मेंस पढ़ेंगे ना दोस्तों, मेंस का डिस्कशन करेंगे, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आखिर ये होता क्या है। ठीक है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, PT पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको बस ये रट लेना है, अगर क्वेश्चन वन लाइनर जनरली पूछेगा तो आपको टिक मार देना है। उसके बाद दोस्तों कुछ फंडामेंटल राइट्स के और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे राइट टू प्राइवेसी जो 2017 में या 18 में, एग्जैक्टली शायद याद नहीं है पर मैं गलत नहीं हूँ, तो 17 या 18 में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, क्योंकि कि राइट टू प्राइवेसी अब एक फंडामेंटल राइट्स होगा, ये किस केस में, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुट्टस्वामी केस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये IR कोयलो केस, ये 9th शेड्यूल से डील करता है कि जुडिशियल रिव्यू
नाइन्थ शेड्यूल में भी होना चाहिए, इससे डील करता है। विशाखा केस जो है दोस्तों, विशाखा केस आपका वुमेन जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होता है उसके उससे रिलेटेड ये केस बना था। उसके बाद एस आर बोमई केस, ये गवर्नर से रिलेटेड, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल जो है 356 आर्टिकल के अंदर उससे रिलेटेड है। तो इस चारों में आपका आंसर हो जाएगा पुट्टस्वामी केस, ठीक है। और कई बार ये अगर पूछ ले दोस्तों कि राइट टू प्राइवेसी, ये फंडामेंटल राइट्स तो है पर इसके लिए कोई अलग जो 12 से 32 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो प्राइवेसी को किसी ऐसा नहीं कोई नया आर्टिकल बनाया गया, इसको किस आर्टिकल के अंदर डाला गया आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 21, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, किस आर्टिकल के अंदर है वो 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर राइट टू प्राइवेसी आता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट्स था, अब है नहीं, था, इसे किस अमेंडमेंट, ये फिर अमेंडमेंट का सवाल आ गया, किस अमेंडमेंट के द्वारा रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 44th अमेंडमेंट। ये आपको बता चुका हूँ मैं पहले वीडियोज़ में, अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 44th 1978 में हुआ था, ठीक है, इसके तहत इसे रिपील कर दिया गया था। और रिपील करके अब चूंकि ये एक फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है, अब ये एक फंडामेंटल राइट्स नहीं है पर इसे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी जगह दिया गया है, किस आर्टिकल में, अब ये आर्टिकल 301 के अंदर है, ठीक है, पर ये अब एक फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा, ये सिर्फ सिंपली एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बन के रह गया है। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, हार्ट एंड सोल, ये किस आर्टिकल के अंदर है दोस्तों, आर्टिकल हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो ये दर्शाता है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है, सेक्युलरिज्म की हम बात करेंगे कभी विस्तार में, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, तो किस आर्टिकल के तहत आता है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 to 28, ठीक है। उसके बाद ये जो उसके बाद जो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कौन से आर्टिकल में ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो है वो रिपील कर दिया गया, तो आपको बता दूं मैं राइट टू प्रॉपर्टी अभी बता चुका हूँ, वो रिपील कर दिया गया था, तो वो किस आर्टिकल के अंदर था, है नहीं, था, आर्टिकल 31 के अंदर, 31 अब रिपील हो चुका है, ठीक है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन इजी है, इजी टू मॉडरेट लेवल का है, आपको बताना है कि फंडामेंटल राइट्स है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस देश से इंस्पायर्ड किया, इंस्पायर हुआ है, ठीक है, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, उसे वहाँ बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता था। तो आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में।